केरला बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। अगस्त 2018 प्रलयंकारी बाढ़, 14 दिनों में बाढ़ का प्रकोप, 377 लोगों की मौत, 7,57,400 लोग बेघर। इतिहास में पहली बार राज्य ने 42 में से 35 डैम खोले। 70,000 पर बुरी तरह किलोमीटर चे रस्ते केरळ मध्ये 15,000 पूल पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे। केरळ मध्ये 14 जिल्ह्यांमध्ये पूर आलेला आहे। 377 लोकांना भाइयों से, बहनों से, नौजवानों से विनती करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप इस कार्य खैर में बढ़ के हिस्सा लीजिए। आपका जो ये अमाउंट छोटी सी रकम होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा दिलासा देगी केरल के हमारे उन भाइयों के लिए जो इस वक्त परेशान हाल है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि मन लम यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, जो लोगों पर दया नहीं करता उस पर दया नहीं की जाती। आज हमारे कारोबार चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने बिजनेस और तिजारत में और औरंगाबाद शहर में बहुत सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारे जो भाई, हमारे इस देशवासी जो मुसीबत और परेशानी का शिकार है, उनकी मदद करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। और इसी कर्तव्य को याद दिलाने के लिए हम जमात इस्लामी की तरफ से आज ये रैली लेकर के आपके सामने आए हैं। बोलते रहिए, बोलते रहिए। केरला के सैलाब ज़दा भाई बहनों की मदद कीजिए। केरला के सैलाब ज़दा भाई बहनों की मदद कीजिए। याद रखिए, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। ये जमात इस्लामी की तरफ से है और ऑल इंडिया लेवल पर जमात इस्लामी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो अपने अपने शहरों में, गांव में जहां रहते हैं, वो इस तरह की रैलियां निकालें, बाजारों में, गलियों में घूमें और लोगों से कहें कि केरला पर जो आफत आई है, वहाँ के इंसानों पर जो आफत टूटी, वहाँ के मुसलमान, वहाँ के हिंदू, वहाँ के दलित, वहाँ के ईसाई, वहाँ के सिख एक ज़बरदस्त किस्म की परेशानी का शिकार। हम अपने इन भाइयों और बहनों की खिदमत के लिए, उनको दिलासा देने के लिए आगे बढ़ूँ। ये हमारा इंसानियत का तकाजा भी है, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, वहाँ के लोगों से मोहब्बत करने का तकाजा भी है। ये बहुत आसान है कि हम बिल्कुल बेहिस बने रहें, हम इसकी तरफ कोई तवज्जो ना करें, ये सोचें कि भाई हमारा तो इलाका बहुत सूखा है और हम बहुत आराम से यहाँ रह रहे हैं, बस रहे हैं। ये इंसानों की सोच का तरीका नहीं, ये एक मोहब्बत का, प्यार का पैगाम है जो जमात इस्लामी इस मुल्क में अपने तमाम रहने वालों से कह रही है। जो आपसे बन पड़ता है, जो कुछ आप दे सकते हैं वो आप ये दीजिए। जमात के लोग आपकी दुकानों पर आपके सामने डब्बे फैलाएं,